मेरा हुआ हुआ केस ऑनलाइन केस करना पड़ेगा। ये है जी कोर्ट। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज जिस बारे में बात करने लगा हूँ मैं, कि मेरा हुआ हुआ केस, अदालत में केस चल रहा है सऊदी अरब के, तो आज उसकी पहली पेशी है, 9 बजे उसकी पेशी है। तो अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं रूम पे ही। यहाँ पे पेशी इस तरह से होती है कि यहाँ पर एक वेबसाइट है, वो सॉफ्टवेयर वेबएक्स मीट, उस पर जो टाइम आपको मिल जाएगा उस टाइम पे जो है ना, जज भी ऑनलाइन आ जाएगा लाइव, और आपको भी, और वो जो थर्ड पार्टी है वो भी लाइव आ जाएगी, यानी तीनों की वीडियो जो है ना कॉन्फ्रेंस चलेगी, उसको ही पेशी कहते हैं। और वो सुनेगा जज, उसके बाद फिर देखें अगली डेट देता है या क्या करता है। थोड़ा नर्वस भी हूँ इस वजह से, तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम रह गया 15-20 मिनट का, तो देखते हैं कि फिर क्या होता है आज, और आपको भी साथ दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो अदालती मामला था वो कैसे होते हैं। यहाँ पे वकील करने की ज़रूरत नहीं होती, बस काजी होता है, काजी, यहाँ पे जज को काजी बोलते हैं, आप होते हैं और थर्ड पार्टी होती है जो जिसने आप पे केस किया हो या जिस पे आपने केस किया। फिर उसके बाद जज सुनता है आपको लाइव ही, तो फिर जो है ना जज की मर्ज़ी है कि वो अगर आप पे, आपको लगे वो जज को कि यार ये इनमें से कोई बंदा गलत बोल रहा है, तो वो तफ्तीश भी डाल सकता है, इंक्वायरी, नहीं तो फिर वो फैसला कर देता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फैसला, 1 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाता है। तो अब देखते हैं फिर आज ये हमारा क्या बनता है। तो जी ये होता है लिंक, इस लिंक पे आप ऐसे दबाओगे तो ये चालू हो गया जी, ये ऑन हो गई है वेबसाइट। अब यहाँ से आपका माइक खुलेगा, यहाँ से आपकी वीडियो, और यहाँ से आप दबाओगे ज्वाइन, तो ये आ गया जी मोहम्मद अल अब्दुल्ला अल हरबी, ये उसकी अदालत है जी। जज का नाम है मोहम्मद अल अब्दुल्ला, एक्सेप्ट, और ये तो अभी चल ऑन होने वाली है, तो साथ में वीडियो शायद नहीं बना सकूँगा। ये होता है यहाँ पे तरीक़ेकार। तो जी अभी जो वेब मीटिंग थी वो तो खलास हो गई है, वो तो ख़त्म हो गई है, फैसला कुछ मेरे हिसाब से जज ने दे दिया है। अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि प्रिंट वहीं से जाकर निकलेगा, साथ ही एक ऑफिस है मकतबल उमालिया, वहाँ से जाकर प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। प्रिंट निकलवाऊँगा तो पता चलेगा कि क्या जज ने फैसला दिया, क्योंकि जो तीसरी पार्टी थी वो आई नहीं है, अदालत पेश ही नहीं, तो फिर शायद मे भी जज ने फैसला दे दिया हो या ना दिया हो, कुछ अभी कह नहीं सकता। तो अभी जा रहा हूँ मकतब उमालिया, वहाँ पर जाके देखते हैं कि फिर क्या हुआ है। तो जहाँ तक मुझे 90% चांसेस तो यही लग रहे हैं कि अब पाकिस्तान वापसी का वक्त आ गया। छोड़ना पड़ेगा अब सऊदी अरब, तो देखते हैं अब क्या बनता है। चल बस रुलाएगा क्या? टेंशन तो खैर इस चीज की है कि अब क्या होगा कैसे होगा। चलो खैर अल्लाह खैर करेगा, आप लोगों से भी बड़ी उम्मीद है यार भाई, को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, मेहरबानी किया करो यार, कुछ चैनल पे भी जरा आते हो देखते हो निकल जाते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, भाई को जरा थोड़ी सपोर्ट हासिल हो जाएगी, मेहरबानी होगी यार आप लोगों की। तो अभी पहुंचते हैं मकतब उमालिया, तो फिर आपको दिखाते हैं कि अब वहाँ पे क्या सिस्टम है। तो जी ये अभी मुझे मिल चुका है वर्गा, इस पे आज की जो डेट पे जो कुछ हुआ है वो लिखा हुआ है कि 9 बजे हमारी वो पेशी स्टार्ट हुई थी मीटिंग, और 9:25 पे ख़त्म हुई है, लेकिन कफील उसमें नहीं आया, ये अभी इन्होंने लिख दिया है। अभी मुझे जाना पड़ेगा महकमा उमालिया, यानी जो यहाँ पर का लेबर कोर्ट है वहाँ पे, अब वहाँ पे जाके पेपर दूंगा, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं वो लोग। मे बी अब वो आगे पूरा जो पाकिस्तान के कोर्ट वाला प्रोसीजर है वो ही स्टार्ट हो जाएगा, कि फिर अदालत में पेश होना पड़ेगा शायद, या वो भी शायद ऑनलाइन होगा, वो देखते हैं आगे। पहली बार है क्योंकि इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, तो अब देखते हैं आगे आगे, जैसे किसी काम में जाते हैं तो फिर ही पता चलता है वो क्या सी। अभी महकमा उमालिया चलते हैं, वहाँ पर फिर आपसे होती है मुलाकात जी। तो अदालत गया तो अदालत से पता चला कि यार आपको पहले जो है ना वो मकतब खिदमात से जाके जो है ना ऑनलाइन केस करना पड़ेगा यहाँ की, क्योंकि पहले ऑनलाइन केस करना पड़ता है सऊदी अरब में, तो फिर उसको जज देखता है, फिर अप्रूव करता है, फिर आपको बुलाता है। अगर वो अप्रूव करने के काबिल नहीं होगा तो फिर बाहरों बाहर आपको यानी अदालत जाने की जरूरत ही नहीं है, जज वहाँ से बैठकर कैंसिल कर देगा। तो अभी जब आया हूँ यहाँ पे मकतब खिदमात में, मकतब खिदमात सेम ऐसे ही होता है जैसे पाकिस्तान में वकील हैं, वकीलों को पता है कि भाई कोर्ट में कौन से पेपर चाहिए, क्या क्या करना है, क्या लिखना है, वो सब चीज़ें, ऐसे मकतब खिदमात होते हैं।
यहाँ पे जितने भी कुछ भी कानूनी जो भी एक्टिविटीज हैं वो ये मकतब खिदमत वाले करते हैं। तो अभी इनके पास आया हूँ तो इनसे कहा कि भाई यार ये मेरा ज़रा केस है तो इसको ज़रा ऑनलाइन कर दे। तो जब उसने मेरा इकामा देखा, क्योंकि मैं अमाना में काम करता हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ और मैंने केस किया हुआ है हकूमत पे, तो उसने कहा कि भाई इसका मुझे नहीं पता, मैंने आज तक हकूमत पे केस नहीं किया है और ना ही कोई बंदा आया ऐसा जो हकूमत पे केस किया हो, तो मुझे नहीं पता, पहले तुम पक्का कर लो कि हाँ ये कैसे कैसे होगा, किस तरह से होगा मुझे आके बताओ, फिर मैं कर दूंगा। तो अभी वापसी जा रहा हूँ वही कोर्ट में, वहां से जाके पता करते हैं कि हाँ भाई हुकूमत के खिलाफ कहाँ पे केस होगा। तो क्योंकि कोर्ट में वीडियो तो नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, वापसी मकतब खिदमात में आके फिर बनाता हूँ वीडियो, इस बार तो नहीं बना सका। तो चलिए फिर देखते हैं अब क्या। अभी जा रहे हैं जी कोर्ट के रास्ते पे, के लिए घर पे जाना पड़े। ये है जी कोर्ट अदालत, ये है सामने लिखा हुआ है जी। तो अभी अदालत से पता किया है मैंने कि सर मुझे ये केस कहाँ पे करना है और कैसे करना है, तो उन्होंने यही बताया कि नहीं आपको जो है ना लेबर कोर्ट में केस करना है, दीवान मजालम में नहीं जाना है। बेसिकली हकूमा पे केस दो जगह पे होते हैं, एक दीवान मजालम में और दूसरा ये लेबर कोर्ट में, कोर्ट कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि हम खारजी हैं यहाँ पे काम करते हैं तो हमारा लेबर कोर्ट में केस आएगा क्योंकि लेबर में आते हैं हम। तो अभी ये तो पता चल गया कि केस लेबर कोर्ट में करना है, तो अभी वापसी फिर वहाँ पे जाते हैं मकतब खिदमात में और उन्हें जाके बताते हैं कि भाई लेबर कोर्ट में केस करना है तो ज़रा इसको कर दें। तो ये रही गाड़ी, हाँ गाड़ी भी चेंज की है, इसके बारे में भी ज़रा बताता हूँ, अलग व्लॉग में बताता हूँ इसके बारे में, पहले ये केस से ज़रा निकले। तो जी ये है वो मकतब जहाँ पे अभी हम वकील से मिलने के लिए आए हैं केस करवाने के लिए, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, जा रहा हूँ अभी। तो जी ये अभी केस हो गया फाइल, हमें पेपर मिल गए हैं केस के, कुछ PDF फाइल्स भी आई हैं और कुछ अभी केस फाइल हो गया तो पेपर मिल गए। अभी मैसेज आएगा मुझे, ये भी अभी पता चला कि जो फाइनल कोर्ट है उसकी भी जो है ना जितने भी मीटिंग है वो सारी ऑनलाइन कॉल्स के थ्रू ही है। तो जी दीजिए इजाज़त, तो इसके साथ ही दुआ कीजिएगा कि अल्लाह आपके भाई के लिए आसानियाँ पैदा करे, और फिर देखते हैं कि क्या होगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और